काफी समय तो चल रहे इस किसान मोर्चे के अंदर शमूलियत कर रहे सभी बुजुर्ग नौजवान भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों और बच्चों, एक किसानी संघर्ष मोर्चा केवल किसानों के लिए नहीं है, एक सच की आवाज है। दुनिया के अंदर इतिहास गवाही भरता है कि जब भी किसी हुक्मरान ने, जब भी किसी जाबर इंसान ने या जाबर सरकार ने सच की आवाज को दबाने की कोशिश की तो उन्होंने पूरे जोर लगाए, लेकिन सच की आवाज को ना कोई आज तक दबा सका है और ना दबा सकेगा। एक विद्वान ने बहुत अच्छे वचन लिखे, वो लिखता है, जब गुरु गोविंद सिंह बादशाह जी के चार साहबजादे, उनमें से दो छोटे साहबजादे को सुबह सरहान वजीर खां ने उनकी सच की आवाज को दबाने के लिए जब नीहों में खड़ा किया ना, जीवित नीहों में चिन्हने के लिए खड़ा कर दिया, तो वो विद्वान लिखता कि छोटे साहबजादों के अंदर से एक आवाज आई कि सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, कह देते हैं हम तुमको खुदा की जवान से। कि सच की आवाज को आज तक किसी ने दबाने की कोशिश की, दबाने वाले मिट गए, सच की आवाज आज तक नहीं मिटी। इस किसानी मोर्चा एक सच की आवाज है, किसानों के हक की आवाज है, इंसानियत की आवाज है। इसके अंदर से एक इंसानियत पैदा हुई है, किसानी मोर्चे के अंदर इंसानियत देखने को मिल रही है। यहाँ कोई सिख हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई आपस में एक भाईचारा अंदर से प्रकट हुआ है। इस किसानी मोर्चे ने एक बात तो साबित कर दी है कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई जो मर्जी किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में कोई उस परमात्मा को, भगवान को, अल्लाह राम को याद करे, चाहे कोई नमाज पढ़ के, चाहे कोई उस मालिक के आगे हाथ जोड़ के, चाहे मत्था टेक के, लेकिन सब एक ही है। जो गुरु गोविंद सिंह पातशाह का नारा है कि मानस की जात सब है एक है पहचान, वो एक मानस की इंसानियत की जो जात है वो इंसानियत आज हमें यहां से देखने को मिल रही है। किसानी संघर्ष मोर्चे में एक इंसानियत का पैगाम हमें मिल रहा है कि इंसानियत के नाते हम सब, क्योंकि रोटी हम सब खाते हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई गरीब है, सब रोटी खाते हैं। रोटी कहां से आती है? रोटी किसान पैदा करता है, अन्न किसान पैदा करता है, इस करके हम उसे अन्नदाता कहते हैं। किसान अगर दब गया ना तो समझ लो दुनिया खत्म हो गई। किसान अगर किसानी करना छोड़ देगा तो समझ लो रोटी मिलनी बंद हो जाएगी। अगर रोटी ही नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? इस करके हर चीज का, हर ताकत के पीछे किसान खड़ा है। जो लोग आज कुर्सी में बैठ के अपने आप को देश का मालिक कहते हैं ना, भी हम देश के मालिक हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, वो कान खोल के सुन ले, अगर उनकी थाली में भी रोटी आती है ना खाने के लिए तो वो किसान के घर से आती है, उसको भी किसान पैदा कर रहे हैं। इस करके ए ना समझे भी हम किसानों की आवाज को दबा देंगे। किसानों की आवाज एक बहुत बड़ा जन आंदोलन आज सारे संसार के अंदर देश विदेश से आवाज किसानों के लिए उठ रही है। वो दिन दूर नहीं कि हम कामयाबी के शिखर पे बैठे होंगे और वहां से एक नारा सुनाई देगा, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान जय किसान, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।